अब सेवन डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन, आई एम कंटिन्यूइंग माय लेक्चर ऑन योर चैप्टर दैट ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. एज यू हैव आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम टेलिंग द सेम. एबीसी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी. एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी मतलब सी पे 90 का एंगल बना हुआ है आपका, और आपको दो लेंथ दे रखी है, तीसरी लेंथ आपको निकालने के लिए बोला हुआ है. अब अगर आपको राइट एंगल एट सी बोला जाएगा तो आप सी पे 90 का बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग ए सी और ए बी की लेंथ लिखी और बी सी निकालने के लिए बोला हुआ है. तो बाय बाय का मतलब सिर्फ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज 25 है, परपेंडिकुलर 7 दे रखा है, बेस हमने निकाल लेना है. 7 का 49, 25 का जितनी पावर हो वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो 625 माइनस 49 इज 576. 576 इज 24 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 24 इज आंसर. सेवन क्वेश्चन पे आओ. सेवन क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ आर हुज लेंथ इज एक लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दे रखी है 41 सेंटीमीटर. तो डायगोनल 41 है और एक लेंथ एक साइड को मैंने 40 कंसीडर कर लिया. और देखो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. तो ये 90 का हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कितना है 41, परपेंडिकुलर कितना है 40 और बेस मुझे निकालना है. तो इसका स्क्वायर हो गया 1681, इसका स्क्वायर हो गया 1600. उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 81. 81 9 का स्क्वायर होता है तो 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा. तो आपका बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर. अब आपको पेरीमीटर निकालना है. ये 9 है तो ये भी 9 है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये 40 है तो ये भी 40 है और इन सब साइड को ऐड कर देना. इसका नाम रख दो ए बी सी डी, सारी साइड्स को ऐड अप कर देना, पेरीमीटर आ जाएगा सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन का भी हिंट दे रही हूँ, फटाफट देख लो और उसे अपने आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक रोमबस दे रखा है और रोमबस की डायगोनल निकाल दे रखी है और आपको पेरीमीटर निकालना है. जब रोमबस की डायगोनल दे रखी है वो आपको दे रखी है 16 और 30. रोमबस एक ऐसी फिगर होती है बेटा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. आपको रोमबस की डायगोनल दे रखी है 16 और 30. सपोज नेम ऑफ द रोमबस भी ए बी सी डी. अब आपको एक करैक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी जो है वो इसमें रोमबस की लर्न होनी चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके रोमबस की जो यूज अप होती है. और रोमबस की ऑल साइड्स इक्वल होती है लाइक अ स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होती है लेकिन रोमबस की डायगोनल इक्वल नहीं होती है. लेकिन डायगोनल्स ऑफ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना एक दूसरे को. ये डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एंड डिवाइडिंग ईच अदर इनटू इक्वल पार्ट्स. अब आपको दे रखा है कि इसमें आपकी दो साइड दे रखी है 16 और 30. तो 16 है तो ये 8 हो गई, 30 है तो ये 15 हो गई. अब इसकी एक और भी कंडीशन है, डायगोनल्स ऑफ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रोमबस की डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर ही बाइसेक्ट करती हैं. मतलब ये जो सेंटर की चारों एंगल बनेंगे ये मेरे 90 डिग्री के बनेंगे. अब मैं क्या करूँगी, ये मैं ट्रायंगल ले लूँगी, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, चार बन रहे चारों में से कोई भी ले लो. इसका नाम डाल दो ओ, ए ओ डी ट्रायंगल. तो ए ओ डी ट्रायंगल में क्या हुआ, ये 90 डिग्री का है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज. 90 के अपोजिट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. रोमबस की सारी साइड इक्वल होती है तो सबको मैंने क्या मान लिया, एस 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 एस. ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर इसको लोगे तो बेस इसको ले लोगे, इसको बेस लोगे तो इसको परपेंडिकुलर ले लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये 8 है ये 15 है क्योंकि 8 डायगोनल 30
the diagonals are bisecting each other. So each part is 8 and 15. Okay. तो ये आई पार्टी में स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका 289 और 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर. तो आई पार्टी में उसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर. इसका मतलब सारी साइड 17 है, रोम्बस की सारी साइड में ही 17 है. तो मेरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी, सबको ऐड कर देना. तो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 एड अप करके क्या आ जाएगा पेरीमीटर इन सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर. अब बेटा आपका ये चैप्टर ही ओवर हो गया है, स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड कर देना, ठीक है, और इसे वेल प्रिपेयर कर लेना. ओके, थैंक यू.